ताइवान के दक्षिणी छोर पर बसा याओ सुंग एक ऐसे एथलीट का घर है जिसने ओलंपिक्स की एक ऐसी प्रतियोगिता में भाग लिया जो कि ओलंपिक भावना का संक्षिप्त में वर्णन कर देती है। डिकैथलॉन स्वर्ण पदक के लिए अपने कॉलेज के दोस्त अमेरिकन रेफर जॉनसन से उसका कड़ा मुकाबला 1960 के रोम ओलंपिक्स की विशेषता रही। जब मैं UCLA गया तो मैं ये सोचकर जॉनसन के साथ अभ्यास नहीं करना चाहता था कि इससे हम दोनों के बीच अत्यधिक विरोध बनेगा, लेकिन हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए और एक दूसरे को मदद करते हुए साथ ही अभ्यास करने लगे। डिकैथलॉन की पहली प्रतियोगिता 100 मीटर दौड़ हीट में जॉनसन प्रभावशाली विजेता, परंतु दूसरी हीट में यांग उससे भी ज्यादा प्रभावशाली, लेकिन दोनों के इस घोर संघर्ष ने भी दोस्ती में बाधा नहीं डाली। सौ मीटर के बाद आती है लंबी छलांग, लॉन्ग जंप। मैंने उसमें उसकी मदद करने की कोशिश की, दौड़ की शुरुआत और छलांग में, लेकिन यह स्पर्धा मैंने बड़ी आसानी से जीत ली। इसके बाद हमने एक दूसरे से बोलचाल कम कर दी। अब समय था प्रतियोगिता का। अगले दो दिनों में यांग और जॉनसन में कड़ा मुकाबला चला। दौड़ों और छलांगों में यांग की फुर्ती और रफ्तार और फेंकने में जॉनसन की शक्ति निर्णायक साबित हो रहे थे। दूसरे दिन के अंत में स्वर्ण पदक का निर्णय 10वें और आखिरी स्पर्धा में होने जा रहा था। मीटर की दौड़ से पहले मैं उससे पॉइंट्स में पीछे था। मुझे उससे कम से कम 9 सेकंड से हराना था, लेकिन उस प्रतियोगिता में उसने अपने जीवन का सबसे बढ़िया प्रदर्शन किया। पूरे दौड़ में वो ठीक मेरे पीछे लगा रहा, मैं और तेज दौड़ा लेकिन वो साथ रहा। मैं उससे आगे निकलना चाहता था लेकिन ऐसा कर नहीं पा रहा था और अंत में उससे अधिक आगे नहीं निकल पाया। दुनिया के दो बेहतरीन एथलीट, गहरे दोस्त और घोर प्रतिद्वंदी हजारों मील दूर जन्मे आज ओलंपिक्स की महान खेल भूमि पर एक साथ थे। जॉनसन प्रथम, यांग द्वितीय और जीत ओलंपिक भावना की। शुरुआत के विंटर या शीत ओलंपिक्स का एक प्रसिद्ध नाम नॉर्वे का स्की जंपर बियेगॉर रूड। नॉर्वे के एक छोटे खदान के शहर में बड़ा होता रूड अपने भाइयों के साथ मस्ती के लिए छलांग लगाता था, फिर चाहे बर्फ कम ही क्यों ना पड़ी हो। उसका ओलंपिक जीवन सन 1932 में लेक प्लासिड में शुरू हुआ। 20 साल की उम्र में उसने अपने दोस्त हैंस बैक को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। 4 साल बाद रूड ने न सिर्फ अपना पदक दोबारा जीत लिया परंतु एल्पाइन कंबाइन में भी वे चौथे स्थान पर रहा। लेकिन इसके बाद वक्त उसके लिए दुखद साबित हुआ। यूरोप में जंग छिड़ गई। 12 साल बाद सेंट मोरिट्ज, रूड 36 साल की उम्र में अपने तीसरे खेलों में पहुंचा। नाजियों द्वारा आयोजित खेलों में भाग न लेने की वजह से उसने 18 महीने जेल कैंप में बिताए थे। मुझे तो वहाँ सिर्फ टीम के कप्तान की हैसियत से रहना था, पर मुझे ऐसा लगा कि सेंट मोरिट्स की पहाड़ी मेरे लिए उपयुक्त थी। असली प्रतियोगिता से पहले जब हम अभ्यास कर रहे थे तो मैंने पाया कि पहाड़ी मेरी तकनीक के लिए बिल्कुल ठीक है और मैंने अच्छी छलांग लगाई। तब आखिरी वक्त पर मुझे टीम में शामिल किया गया। बियेगॉर रूड का आत्मविश्वास और उसके कौशल को चांदी के पदक से नवाजा गया। वो अकेला ऐसा खिलाड़ी है जिसने 3 ओलंपिक खेलों में स्की जंपिंग के पदक जीते। बियेगॉर रूड वाले दौर के मुकाबले अब वक्त काफी बदल चुका है। हालांकि स्की जंपिंग अब भी लोकप्रिय है, परंतु नॉर्डिक मुकाबलों को खेलों का मुख्य आकर्षण माना जा रहा है। अब जमाना एल्पाइन रेसर्स का है और पुरुषों की ढलान पर प्रतियोगिता इनमें सबसे लोकप्रिय है।
पर वक्त फिर बदलेगा। 1992 के अल्बर्टविल शीत ओलंपिक्स में तेज रफ्तार और आधुनिक मुगल इवेंट्स को पूर्ण मेडल प्रतियोगिता का दर्जा दे दिया गया और लिल हैमर में एरियल्स को। न सिर्फ शीत ओलंपिक्स के अंदाज में बदलाव आ रहा है बल्कि मुख्य ओलंपिक्स में भी नए खेलों को शामिल किया जा रहा है। कई ऐसे खेल भी हैं जो पहले छोड़ दिए गए थे, अब वो दोबारा वापस लाए जा रहे हैं। शायद ये सब दीक उबरते की कल्पनाओं से कहीं आगे निकल गया है। 1996 के अटलांटा खेलों में इन खेलों में और भी परिवर्तन आएंगे। ऐसे खेलों में नए नए चैंपियंस बनेंगे जो कि पहले ओलंपिक्स में सोचे भी नहीं जा सकते थे।